आपका क्या नाम? सीएस तोमर। ओके, आपका बच्चा कौन से क्लास में है? फिफ्थ क्लास में है। ओके, एक साल से पढ़ाई कर रहे हैं आप? हाँ। ओके, आपको कैसा लगा एक साल का स्कूल? बहुत अच्छा लगा यहाँ। सबसे पहले तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पर्यावरण मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसी स्थानीय स्तर पर अगर देखा जाए कोरता में ये सबसे बेस्ट स्कूलों में शुमार है। बच्चों के अंदर मैं तो ये समझता हूँ जहाँ तक अभी एक साल में जो परिवर्तन आया चेंजिंग वो ऑल ओवर आया है, थोड़ा बहुत ये मैं एक उम्मीद करता हूँ या सजेशन सुझाव समझ लूँ कि बच्चों के अंदर एक ऐसा इंग्लिश स्पीकिंग जो आपका कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सिस्टम है इसके लिए वो थोड़ा उसका डेवलपमेंट हो जिससे कि लोग आकर्षित भी हों, और कुछ पालक जैसे अभी शिक्षा के लिए गुड एजुकेशन के लिए ग्वालियर या बाहर प्लान करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भावी समय में स्कूल आप लोगों के सहयोग से एक ऐसा स्थानीय स्तर पर बने कि पेरेंट्स जो बाहर भेजते हैं उच्च शिक्षा के लिए ज़्यादा मतलब फीस देते हैं तो कम फीस में, और यहाँ ऐसा वातावरण मिलना चाहिए तो एक स्कूल आदर्श या मान्य स्थापित कर सके शिक्षा के क्षेत्र में। थैंक यू सर, आपकी जो ब्लेसिंग बने रहे। और ये है कि देखिए सर, रोम इज नॉट बिल्ट वन डे, विदिन अ डे, जैसे रोम है ना वो एक ही दिन में अपन नहीं बनाया है, तो ये है कि बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अपन धीरे धीरे बढ़ाएंगे। पेरेंट्स को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, घर का भी माहौल थोड़ा बहुत अपन को भी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे जो पेरेंट्स है, यहाँ के जो बाकी एरिया के लोग हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं अपने स्कूल के? उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो स्कूल है स्थानीय स्तर पर शुल्क भी ठीक है, कम स्तर पर अच्छा स्टाफ है, तो वो आकर्षित हों, अट्रैक्टिव हों और यहाँ पर सहयोग प्रदान करें जिससे कि ये स्कूल में जहाँ तक जाता हूँ एक ऐसा स्कूल बने जिससे कि जो स्थानीय ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो बजाय ग्वालियर भोपाल दिल्ली वहाँ जो सुविधाएँ मिलती हैं वो यहीं मिले तो लोग परेशान भी नहीं होना पड़े और अपने क्षेत्र का भी नाम है स्कूल। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ।